ओके बेटा, हम लोग पहुंचे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स फंडामेंटल्स सम्स वाले पेजेस। इस क्वेश्चन में जो टॉपिक है ये कमीशन पेबल टू पार्टनर्स है, क्वेश्चन नंबर 34 है टीएस गरीवाल का। यहाँ पे ये सब आप सम्स वाले पेज में लिखना, मैंने सिर्फ पीएनएल अप्रोप्रिएशन का और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ब्लैंक फॉर्मेट बनाया, ठीक है। अब एक बार क्वेश्चन रीड कर दें। एक्स एंड वाई आर पार्टनरशिप फॉर्म, एक्स इज एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ and commission of 10% on the net profit after partners' salaries but before charging commission. फिर लिखा है, Y is entitled to a salary of rupees 25,000 per annum. X में अगर आपने ध्यान दिया तो 10,000 per month था, और Y में आपने ध्यान दिया तो Y में है 25,000 per annum and commission of 10% on net profit after charging all commissions and partner salaries. अब ये जो after charging before charging का problem है ना, उसी की वजह से मैंने ये पूरा क्वेश्चन स्टार्ट किया है। देखो X में क्या लिखा हुआ था, X is entitled to a salary of 10,000 per month and commission of 10% of the net profit after partners' salaries but before charging commission. ये after और before का ही problem है। Y is entitled to a salary of 25,000 per annum and commission of 10% of the net profit after charging all commissions and partners' salaries. तो यही मेरे को आफ्टर बिफोर पूरा समझाना है। आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस एंड पार्टनर सैलरीज, फिर लिखा हुआ नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर पार्टनर सैलरी एंड कमीशन फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/2022 वाज रुपीज 4,20,000, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो बेस्ट है कि हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दें तो पूरा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट अपने आप हो जाएगा। तो धीरे धीरे शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म, X is entitled to a salary of rupees 10,000 per month. अब X को हम लोग सैलरी देंगे, यहाँ पे पार्टनर्स का नाम A और B की जगह पे X और Y आएगा, X, Y, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में भी A और B की जगह पे X और Y हो जाएगा। ये पार्टनर्स का कैपिटल X और Y आगे। अब पहले फर्स्ट लाइन में इन लोगों ने दिया सैलरी, एक्स की सैलरी 10,000 पर मंथ। अगर हम एक्स को सैलरी देंगे 10,000 पर मंथ तो हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो एक्स सैलरी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है 10,000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स, तो एक्स की सैलरी आएगी 1,20,000। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएशन में होगा डेबिट क्योंकि बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, और पार्टनर्स कैपिटल में होगा क्रेडिट, X के कैपिटल में क्रेडिट होगा 1,20,000। मतलब मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ कि यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में ये 1,20,000 X के कैपिटल में जाएगा, और अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड होगा तो ये 1,20,000 X के करंट अकाउंट में जाएगा। तो ध्यान देना, ओके, ये हमारा X के कैपिटल में जाएगा बाय X सैलरी। ये हमने X को सैलरी दिया 1,20,000, Y को फिलहाल कुछ भी नहीं। आगे फिर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरीज, मतलब एक्स और वाई दोनों की सैलरी माइनस करने के बाद बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो हम लोग एक्स को कमीशन देंगे 10% सैलरी के बाद बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। मैं यही शब्द लिख देता हूँ नीचे, हम लोगों को एक्स को कमीशन देनी है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू एक्स कमीशन, हम लोगों को एक्स को कमीशन देनी है, और जो शब्द क्वेश्चन में लिखे मैं वही लिख रहा हूं, आफ्टर पार्टनर्स सैलरीज बट बिफोर कमीशन। मतलब पार्टनर्स की सैलरी माइनस करने के बाद बट कमीशन माइनस करने दे पहले 10%। मैं यहां पे 10% भी लिख दे रहा हूं, 10%। अमाउंट में बाद में सॉल्व करूंगा आगे। अच्छा, एक्स की जो कमीशन होगी तो अप्रोप्रिएशन में होगा डेबिट, तो एक्स के कैपिटल में होगा क्रेडिट। मैं यहां पे लिख देता हूं बाय एक्स कमीशन, जितनी भी अमाउंट आएगी वो हम एक्स के कॉलम में लिखेंगे, अमाउंट बाद में आएगी वो एक्स के कॉलम में लिखेंगे, बाय में कुछ भी नहीं। ये एक्स को हम लोगों ने सैलरी और कमीशन दे दिया, अमाउंट अभी कमीशन का बाकी है। नेक्स्ट फिर लिखा हुआ है, वाई इज टू बी एंटाइटल्ड to a salary of rupees 25,000 per annum, ये per annum है, ठीक है। पहले Y को salary देते हैं 25,000 per annum, तो Y की salary
25,000 पर एनम, ये मैं ऊपर लिखूंगा यहाँ पे 25,000, और मैं यहाँ पे लिखूंगा टू वाई सैलरी 25,000, यहाँ पे होगा डेबिट, तो वाई के कैपिटल में होगा क्रेडिट 25,000। सैलरी मैंने जानबूझ के ऊपर लिखा दोनों का, वाई को हम लोग 25,000 देंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा वाई सैलरी, तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस तो अप्रोप्रिएशन में हो गया डेबिट, वाई के लिए इनकम तो वाई के कैपिटल में होगा क्रेडिट 25,000। आगे बढ़ते हैं, सैलरी हो गया दोनों का, और आगे फिर लिखा हुआ है एंड कमीशन, ये वाई की कमीशन, एंड कमीशन एट 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी, मतलब वाई को जो हम 10% कमीशन देंगे वो सैलरी के भी बाद और कमीशन के भी बाद, तो मैं यही शब्द यहाँ पे नीचे लिखूंगा, तो वाई को भी हम लोग कमीशन देंगे, सुनना ध्यान से, वाई को भी कमीशन देंगे, लेकिन उसके शब्द थोड़े अलग हैं, यहाँ पे मैं लिखूंगा टू वाइज कमीशन आफ्टर पार्टनर सैलरी एंड आफ्टर पार्टनर्स कमीशन, सैलरी के भी बाद और पार्टनर्स के कमीशन के भी बाद हम वाई को कमीशन देंगे 10%, वाई को कमीशन देंगे 10%, बिजनेस के लिए एक्सपेंस, वाई के लिए इनकम, तो वाई के कैपिटल में हो जाएगा क्रेडिट, वाई के कैपिटल में क्रेडिट, अमाउंट वाई के कॉलम में आएगी, कितनी आएगी मुझे पता नहीं, पर वाई के कॉलम में आएगी और एक्स में डैश हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, लास्ट में क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर पार्टनर सैलरी एंड कमीशन फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2022 वाज 4,20,000। अब ये जो प्रॉफिट होना चाहिए ना बेटा, ये हमेशा बिफोर ही होना चाहिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ है बिफोर, ये जो प्रॉफिट होना चाहिए 4,20,000, ये बिफोर ही होना चाहिए, और हम लोग बिफोर मतलब इसको सबसे ऊपर लिखेंगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, बाय नेट प्रॉफिट, हम इसको पीएनएल अप्रोप्रिएशन में सबसे ऊपर लिखेंगे, बिफोर पार्टनर्स सैलरीज एंड बिफोर पार्टनर्स कमीशन, और ये हमेशा ऐसा ही होना चाहिए, ये नेट प्रॉफिट हमेशा बिफोर ही होना चाहिए 4,20,000। और क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, बस शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, अब जो काम करना है हमको खुद ही करना है, कमीशन की सारी कैलकुलेशन हमको खुद ही करनी है, तो धीरे धीरे शुरू करते हैं। सबसे पहले ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इसका क्रेडिट का टोटल 4,20,000 है, और डेबिट साइड पे ये 1,20,000 और 25,000 हम पहले माइनस करेंगे, तो क्रेडिट साइड का 4,20,000 है, एक ही अमाउंट है, डेबिट में दो अमाउंट है, तो माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे डिफरेंस कितना आता है, तो इसको मैं बोलता हूँ डिफरेंस अप टिल नाउ, डिफरेंस टिल हेयर, मतलब अभी तक का हमारा डिफरेंस कितना है, तो क्रेडिट साइड पे 4,20,000 माइनस डेबिट साइड पे 1,20,000 माइनस डेबिट साइड पे 1,25,000, तो डिफरेंस टिल नाउ कितना आएगा, एक बार मैं रफली कैलकुलेट कर लेता हूँ, 4,20,000 माइनस 120, तो बाकी बचा 3,00,000, 3,00,000 माइनस 25,000, तो बाकी बचेगा 2,75,000, तो डिफरेंस अप टिल नाउ इज 2,75,000, ये जो 2,75,000 डिफरेंस आया, इस डिफरेंस पे हम लोग एक्स को कमीशन देंगे, मतलब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक्स इज टू बी गिवन 10% कमीशन आफ्टर पार्टनर सैलरी, आफ्टर पार्टनर सैलरी मतलब 4,20,000 में से एक्स और वाई दोनों की सैलरी माइनस करो, वही मैंने यहाँ पे नीचे किया, 4,20,000 में से मैंने एक्स और वाई की सैलरी माइनस की, बाकी बचा 2,75,000, इस 2,75,000 पे 10% कमीशन, लेकिन लिखा हुआ है बिफोर चार्जिंग कमीशन, तो मैं कमीशन कैसे निकालूंगा, एक्स की कमीशन एक्स की इक्वल टू ये जो 2,75,000 डिफरेंस आया उसको मैं मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 करूंगा, याद रखना मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि कमीशन बिफोर चार्जिंग कमीशन लिखा हुआ, तो 10/100, और वाई में इसी क्वेश्चन में आएगा वाई में कमीशन आफ्टर चार्जिंग कमीशन, तो मैं करूंगा 10/110, ठीक है, तो कमीशन आएगी यहाँ पे एक्स की, तो 2,75,000 तो ऑब्वियसली 2,75,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100, तो ये होता है 27,500, मतलब 27,500, ये हमारे एक्स की कमीशन आएगी 27,500, पहले डिफरेंस निकाला, क्रेडिट साइड पे 4,20,000 माइनस डेबिट वाला 1,20,000 माइनस डेबिट वाले 25,000, तो ये डिफरेंस आया, इस डिफरेंस को मल्टीप्लाई बाय 10/100 किया, तो एक्स की कमीशन आ गई
27,500 अप्रोप्रिएशन में होगा डेबिट तो एक्स के कैपिटल में होगा क्रेडिट 27,500 ठीक है ये एक्स की कमीशन आ गई 27,500 ये रहा 27,500 ये रहा 27,500 राइट एक्स का कमीशन आ गया अभी वाई का कमीशन वाई के कमीशन में देखो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए क्या था मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि मैंने यहाँ पे अपॉन में 100 लिखा ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट था जो अपॉन वाला 100 लिखा है क्योंकि कमीशन बिफोर चार्जिंग कमीशन कमीशन बिफोर चार्जिंग कमीशन तो 10/100 वाई में आएगा कमीशन आफ्टर चार्जिंग कमीशन तो 10/110 हो जाएगा अब देखो टू वाइज कमीशन क्वेश्चन में लिखा हुआ था आफ्टर पार्टनर सैलरीज एंड आफ्टर पार्टनर्स कमीशन तो मैं फिर से डिफरेंस निकालूंगा सुनना ध्यान से इसको मैं फिर से बोलूंगा डिफरेंस टिल हेयर अभी क्रेडिट का टोटल कितना है अभी क्रेडिट में एक ही अमाउंट है 4,20,000 इस 4,20,000 में डेबिट में कितनी अमाउंट है 3,120,000 25,000 और 27,500 ये तीनों में माइनस कर दूंगा 120 25 और एक तीसरा भी है 27,500 ये तीनों में माइनस करूंगा मतलब क्रेडिट साइड पे एक अमाउंट है डेबिट साइड पे तीन अमाउंट है तो 4,20,000 माइनस 1,20,000 माइनस 25,000 माइनस 27,500 तो ये आएगा 247,500 मतलब 4,20,000 माइनस 1,20,000 माइनस 25,000 माइनस 27,500 तो आएगा 2,47,500 अब ये जो डिफरेंस आया 2,47,500 इस डिफरेंस को इसको मैं बोलता हूँ डिफरेंस टिल हेयर या डिफरेंस टिल नाउ क्रेडिट माइनस डेबिट इस पे हम लोग कमीशन निकालेंगे वाई की इसमें से हम लोग वाई की कमीशन निकालेंगे कैसे ये जो डिफरेंस आया 2,47,500 इसको मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 110 मेरे काम का ये है 110 क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कमीशन आफ्टर चार्जिंग कमीशन ठीक है तो सैलरी भी माइनस कर दिया मैंने एक्स और वाई का और कमीशन भी एक्स का तो माइनस कर दिया ये रहा 27,500 पहले दोनों का सैलरी माइनस किया फिर एक्स का कमीशन माइनस किया और वाई का कमीशन आफ्टर चार्जिंग कमीशन मतलब 10/110 अब मैं यहाँ पे आंसर लिखूंगा इक्वल टू 247,500 247,500 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 110 तो आएगा 22,500 और ये राइट है 22,500 मैंने चेक कर लिया 22,500 वाई का कमीशन मैं यहाँ पे वाई में लिखूंगा 22,500 बाकी सब वर्किंग नोट्स है मैंने इनर कॉलम में लिख दिए 22,500 हमारे वाई का कमीशन ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अब बैलेंसिंग करते हैं पीएनएल रेशियो वगैरह देखते हैं क्या है पीएनएल रेशियो वगैरह देखते हैं चलो अब पहले क्रेडिट साइड का टोटल तो क्रेडिट साइड पे एक ही अमाउंट है 4,20,000 क्रेडिट साइड पे एक ही अमाउंट है 4,20,000 ठीक है टोटल करते हैं इक्वल टू सम ऑफ क्रेडिट साइड पे 4,20,000 अब डेबिट साइड पे टोटल चार अमाउंट का टोटल 1,95,000 अब क्रेडिट में दे डेबिट माइनस करो क्रेडिट साइड है 4,20,000 माइनस डेबिट साइड पे चार अमाउंट का टोटल 1,95,000 तो डिफरेंस आएगा 2,25,000 420 माइनस 125 2,25,000 और ये 225 राइट है 2,25,000 ये रहा 2,25,000 राइट है सारी अमाउंट राइट है अब पीएनएल रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है अगर पीएनएल रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो पीएनएल रेशियो का 1:1 मतलब इक्वली तो ये जो 2,25,000 आया इसको हम लोग 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एक्स और वाई और पीएनएल रेशियो ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ 1:1 अब 2,20,000 इसको हम लोग बोलेंगे टू नेट डिविजिबल प्रॉफिट टू नेट डिविजिबल प्रॉफिट इसको 1:1 कर देंगे इक्वल टू 2,25,000 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल टू 2,25,000 मल्टीप्लाई 1/2 2,25,000 मल्टीप्लाई 1/2 तो दोनों में आएगा 1,12,500 1,12,500 ये हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया अब जितना दोनों का शेयर ऑफ प्रॉफिट आया एक्स और वाई का ये दोनों के कैपिटल में चला जाएगा 1,12,500 1,12,500 ठीक है इसको हम बोलेंगे बाय नेट डिविजिबल प्रॉफिट और एक अमाउंट मेरी ये लिखना बाकी है वाई का कमीशन मेरे को याद है 22,500 था
ये वाई का जो कमीशन है 22500 कैपिटल अकाउंट में लिखना बाकी है, ये वाला 22500 मैं इसको कैपिटल अकाउंट में लिख देता हूँ। अब कैपिटल अकाउंट को मैं टैली नहीं कर सकता हूँ क्योंकि कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे नहीं दिया हुआ, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब एक्स और वाई का ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ नहीं, इसलिए मैं इसको टैली नहीं कर पाऊंगा अभी। ये ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ नहीं है एक्स और वाई का, तो इसलिए मैं इसको टैली नहीं करूंगा अकाउंट को, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ही छोड़ दूंगा कैपिटल अकाउंट को। डन। तो इन्होंने जो पूछा है कि हाउ विल यू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, तो हमने पूरा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के बता दिया, ये हमारा मेन आंसर, और आप एग्जाम में भी पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बना के आओगे, ठीक है। सिंपल बात यह थी कि एक्स में लिखा हुआ था कमीशन बिफोर चार्जिंग कमीशन तो 10/100, वाई में लिखा हुआ था कमीशन आफ्टर चार्जिंग कमीशन तो 10/110। एक बार मैं स्क्रोल कर देता हूँ, लिखना अच्छे से। बस यहां तक ही देखो सब लोग बेटा।